The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों कोरोना वायरस से अगर बचने की बात करें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है डॉक्टरों की, हॉस्पिटल्स की, क्योंकि अल्टीमेटली पेशेंट ने तो वहीं आना है, अल्टीमेटली पेशेंट वहीं आएगा, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो। इसीलिए सारे लॉकडाउन में ओपीडीज बंद करके हैं, क्योंकि भाई पेशेंट अगर वहाँ आएगा, आपको हैंडल करना नहीं पता, तो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल अगर नहीं पता आपको, यस आईपीसी इज अ क्रिटिकल इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स, जो आपको बहुत ज़रूरी है और वो इनिशिएट करना चाहिए एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, जब पेशेंट हॉस्पिटल में या किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में घुसता है। बहुत ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस ले, जो हमेशा रूटीनली अप्लाई किया जाए किसी भी प्रकार की हेल्थ केयर फैसिलिटी में, वरना वहाँ से ऐसा फैलेगा कि कोई बचा नहीं पाएगा कोरोना से दुनिया को, उस एरिया के लोगों को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉस्पिटल्स, एवरी डॉक्टर हु वर्क्स इन द हॉस्पिटल टू फॉलो प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस? हैंड हाइजीन, यूज ऑफ पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट्स ब्लड, डायरेक्ट नहीं कॉन्टैक्ट होना चाहिए, बॉडी फ्लूइड सिक्रीशंस, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ये सब सबसे कॉन्टैक्ट ना हो, तो गाउन पहनना होगा, शील्ड पहननी होगी, मास्क पहनना होगा, फेस सर पे कवर पहनना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ पहनना होगा। ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, डॉक्टरों के लिए, सबके समझने के लिए। सो यहां पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या क्या आता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, जरूरी है ना सिर्फ ये बल्कि आगे चल के जब आप किसी को सुई लगाते हैं तो उस सुई को सही तरीके से डिस्पोज करना, नीडल स्टिक इंजरी से, शार्प इंजरी से बचाना, सेफ वेस्ट डिस्पोजल करना, डिसइंफेक्शन करना उस जगह का जहां एक पेशेंट आ चुका है, वहां से चला गया है, इन्वायरमेंट को क्लीन करना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं देख रहे हैं तो। सो एक पेशेंट जैसे ही अंदर आता है, ट्रायज होता है, राइट, वो ट्रायज में क्या होता है उसके साथ, एग्जैक्टली उसके साथ होता क्या है, आइए बातचीत करते हैं। जब एक पेशेंट अंदर आ जाता है तो ट्रायज में सबसे पहले एक सस्पेक्टेड पेशेंट को आपने सबसे पहले मास्क दे देना, सस्पेक्टेड पेशेंट को सबसे पहले आपने ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क दे देना है, एंड डायरेक्ट पेशेंट को सेपरेट कर देना है सेपरेट एरियाज में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट को सेपरेट कर देना है सेपरेट एरिया में, आइसोलेशन रूम में अगर अवेलेबल है तो, और एक मीटर डिस्टेंस बिटवीन रखना है सस्पेक्टेड पेशेंट्स और अदर पेशेंट्स के बीच में, कम से कम एक पेशेंट, और सारे पेशेंट्स को अपना कवर करना है नोज, चाहे वो इन्फेक्टेड हो नहीं हो, जो भी पेशेंट आपके अस्पताल में भर्ती है एज अ पेशेंट उन्होंने अपना मुंह कवर करके रखना है, अगर उसको खांसी हो रही है तो वो मास्क पहने या फिर वो करे, वो सबको पता है बेसिक, ये सारा अंदर जाते ही ट्रायज में होना चाहिए, जो पेशेंट वहाँ है उसको कवर करना जरूरी है। उसके अलावा हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, पेशेंट को टच करने से पहले हाथ धोएं, टच करने के बाद हाथ धोएं, ग्लव्स पहने, डिस्पोजेबल चीज़ें यूज करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो जाता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, किसी ने बोलते ही बोलते बोलते बाहर निकल जाती है, थूक थूक निकल जाती है, खांस निकल जाती है, खांसी निकल जाती है, ऐसे में फैल जाता है, तो इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए याद रखिए, रेस्पिरेटरी वायरसेस को एक तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क ज़रूरी है अगर आप पेशेंट के पास हो, बहुत ज़रूरी है, N95 मास्क अगर एक्चुअल नॉन पॉजिटिव पेशेंट है वो भी ज़रूरी है, और पेशेंट को एक सिंगल रूम में रखना चाहिए अगर रख रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, और अगर अगर पक्की बात है दोनों कोविड पॉजिटिव हैं तभी वो दो को एक साथ रख सकते हैं, वरना नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर डायग्नोसिस अभी तक बना नहीं है या अभी पता नहीं है तो क्लिनिकल डायग्नोसिस पे उनको थोड़ा दूर, एक मीटर दूर कम से कम रखना है स्पेशल सेपरेशन करके, और उनको आपको क्लोज कॉन्टैक्ट जो भी लोग हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनको सिम्टम्स हैं उनको केयर देनी है, जिनको सिम्टम नहीं है उनको क्वारंटाइन के लिए बोलना है, फेस मास्क, गॉगल्स, आई प्रोटेक्शन ये सब ज़रूरी है, स्प्रे सिक्रीशंस हो सकते हैं जब भी बात करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट जो ऐसा सस्पेक्टेड है उसको घूमने फिरने नहीं देना है उसी हॉस्पिटल के अंदर, वो एक ही जगह पर रहेगा कि पेशेंट हमेशा और एक ट्रिपल लेयर मास्क रहेगा। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस करना ज़रूरी है, अगर मान लो कॉन्टैक्ट मतलब पेशेंट बोल के यहाँ से चला गया, अब यहाँ से गया तो उस एरिया को भी साफ करना पड़ेगा, वरना वहाँ पे लोग हाथ लगाएंगे फिर हाथ लगाएंगे और हो जाएगा।
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए कंटेमिनेटेड सर्फेसेज, इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन ट्यूबिंग्स, हाँ उनके लिए बहुत ज़रूरी है. आप उसको सही तरीके से डिसइनफेक्ट करें, साफ करें. अगर आप पेशेंट को देख रहे हो उसमें आपने मास्क पहना है, ग्लव पहना है, पीपीई पहना है, वो सब आपने डिस्कार्ड कर देना है जैसे आप उस आईसीयू से बाहर निकलते हैं, उससे पहले बहुत ज़रूरी है. डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स यूज़ करें अगर यूज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाला स्टेथोस्कोप या थर्मोमीटर, या फिर उसी पेशेंट का एक पर्टिकुलर होगा तो उसी पेशेंट में यूज़ होगा और किसी में नहीं यूज़ होगा, ये हिसाब रखें. उसके बाद अगर शेयर करना पड़ रहा है तो बीच में उसको डिसइनफेक्ट करके शेयर करें, डिसइनफेक्ट करें. और इन्वायरमेंटल चीज़ें जैसे कि डोर हैंडल, लाइट स्विचेस, इनको हमेशा बीच बीच में आपने क्लीन करवाते रहना है, ये ज़रूरी है. प्रॉपर खुद की हाइजीन बहुत ज़रूरी है. और एयरबॉर्न प्रिकॉशंस ये और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है जब आप ऐसे किसी संदिग्ध पेशेंट पे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं. मान लीजिए आप इसको बोलते हैं एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर. एरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर मतलब मुंह खोल के कुछ हो रहा है, ओपन सक्शन हो रहा है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वेंटिलेटर के लिए इंट्यूबेशन हो रहा है, ब्रोंकोस्कोपी हो रहा है, कार्डियोपल्पोनरी रिससिटेशन हो रहा है, बाईपैप पे लगा रहे हैं मशीन पे, ये सारी चीज़ें एरोसॉल जनरेट करती हैं. ये एरोसॉल जनरेट करती है मतलब ऐसे फैलेगा फिर कोरोना. तो उस रूम में अननेसेसरी लोग नहीं चाहिए. उस रूम में जितने भी है सब ने पीपीई पहनना है, ग्लव पहनना है, लॉन्ग स्लीव गाउन पहनना है, उसके ऊपर अपने ग्लव पहनना है, आई प्रोटेक्शन चाहिए, शील्ड चाहिए, फिट टेस्ट जरूरी है रेस्पिरेटर का, N95 मास्क पहनना है, और ये बहुत ज़रूरी है फिट टेस्ट स्किल टेस्ट आपको सही तरीके से करना ताकि अंदर ज़रा सा भी एरोसॉल ना चले जाए. और जब भी पॉसिबल हो वेंटिलेटेड प्रॉपर ऐसा कोई जगह यूज़ करें. वेंटिलेटर मतलब मतलब क्या होता है, उसमें नेगेटिव प्रेशर होते हैं. नेगेटिव प्रेशर होता है मतलब मिनिमम 12 एयर चेंजेस पर आवर, हर घंटे में 12 बार वहाँ से एयर चेंज हो जा रही, ये इंपॉर्टेंट है ऐसे जगहों पे. सो दैट इज़ देयर. और ऑल राइट, दैट इज़ काइंड ऑफ हॉस्पिटल के अंदर बहुत से सिस्टम्स रखने ज़रूरी होते हैं नैच. और अननेसेसरी इक्विपमेंट्स इंडिविजुअल्स डॉक्टर्स उस कमरे में ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है. ऐसे सेम टाइप ऑफ पेशेंट्स रह सकते हैं उस एक कमरे में जहाँ पे ये सब हो रहा है. याद रखिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी है, इसीलिए हॉस्पिटल्स को और ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है. जितने पैसे जमा हुए हैं डोनेशन से उनका इस्तेमाल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया है जो ग्रे एरिया है जहाँ से एक्चुअली इन्फेक्शंस फैलेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने फैल गए. अगर यहाँ पर हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी में ट्रायज में आईसीयूज में केयर नहीं की गई तो फिर ये चीज़ बंद नहीं होगी, लॉकडाउन खुलेगा नहीं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इसलिए ये वीडियो एक डॉक्टर को, एक नर्स को, एक आईसीयू में इवन बाहर खड़े गार्ड को, वार्ड बॉय को, सबको देखना ज़रूरी है. सो ये वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. जो लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, नो मैटर वो इंडियन हो, बाहर से हो, बाहर वाला हॉस्पिटल हो, वहाँ पे प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है. इंडिया के अंदर उतने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स नहीं फॉलो होते हैं जितने बाहर होते हैं, वरना यहाँ पर भी इतनी ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो रहा होता. लेकिन आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, हर पर्सन को ये सब बताने की ज़रूरत है, हर डॉक्टर को ये बताने याद दिलाने की ज़रूरत है. वरना ऐसा हो जाता है कि एक सस्पेक्टेड पेशेंट आ गया कोरोना वायरस, डॉक्टर हॉस्पिटल ही नहीं जाते, पेशेंट को देखते ही नहीं है. तो ये भी दिक्कत वाली बात है, रिस्क है. देखे क्यों, करें क्यों, क्या करें क्या ना करें. सो इस चीज़ में नॉलेज बहुत ज़रूरी है. अगर नॉलेज होगी तो ऐसा काम नहीं होगा कि एक पेशेंट ट्रीटमेंट से वंचित नहीं हो जाएगा. याद रखिए आइसोलेशन प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आपको अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को आइसोलेट करना है. अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको लोकल आपके एरिया में जहाँ पर भी कोविड सेंटर बनाए गए हैं पेशेंट को वहाँ ट्रांसफ़र करवाना है. कोविड सेंटर पे बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है ये ट्रीटमेंट का. सो आई होप अगर ये सब नहीं पता है आपको तो फिर आप आइसोलेशन प्रोटोकॉल देखिएगा, मैंने बना रखा है उस वीडियो को, और उसको फॉलो करवाइए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट टू ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन द वर्ल्ड, इन इंडिया एटलीस्ट, ताकि लोगों को जागरूकता मिले. धन्यवाद. बाकी जानकारी के लिए आप MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.